आशा के मोती चैनल में गोपाष्टमी की व्रत कथा। पुराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन पूरे मन से गौ माता की आराधना करने से यातकों की हर मनोकामना पूरी होती है। पुराणिक कथा के अनुसार भगवान ने जब 6वें वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया का इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गायें ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देख कर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की आज्ञा दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जुतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जुतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जुतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जुतियां नहीं पहनी। आगे आगे गायें और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के जश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। बोलो गौ माता की जय।